सामेर हजरात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इतिकाफ़ बैठने की क्या शरायत है, क्या क्या शर्त है इतिकाफ़ में बैठने के लिए। ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी हजरात हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप के आखिर तक ज़रूर सुनिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, इतिकाफ़ बैठने की शरायत दर्ज ज़ेल है। सबसे पहले तो मुसलमान होना, इतिकाफ़ की नियत करना, हदीस अकबर यानी जनाबत और हज व निफास से पाक होना, आक़िल होना, मस्जिद में इतिकाफ़ करना, इतिकाफ़ वाजिब नज़र के लिए रोज़ा भी शर्त है। ये सारी चीज़ें इतिकाफ़ में बैठने के लिए शर्त है और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से इतिकाफ़ में बैठा जाता है। जिस इंसान के अंदर ये चीज़ें पाई जाए तो मतलब वो इंसान इतिकाफ़ में बैठ सकता है। तो दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर कहीं गलती हो जाती है तो उसकी इस्लाह भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह इतिकाफ़ के बारे में बहुत सी अहमियत और फजीलत आई है। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।